नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है समाधान डॉक्टर। आज हम आए हुए हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर और आपको दिखाएंगे इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं नसबंदी करने वाले। तो मेरे पीछे भाई है जो आपको लेप्रोस्कोप अभी दिखाने वाला है, इसमें पूरी चीज़ें बताएंगे कि ये जो दूरबीन है, ये जो जादुई दूरबीन जिससे कि नसबंदी होती है, ये दिखने में कैसी होती है। हालांकि मैं वीडियोज़ में काफ़ी आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा लाइव दिखाते हैं और एक एक चीज़ का नाम मैं आपको बताऊंगा। सारे के सारे इक्विपमेंट आपको दिखाने वाले हैं। तो ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो टेबल सजा हुआ है, ये पूरा इक्विपमेंट रखे हुए हैं। क्योंकि मैंने अभी ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं, भाई ने प्रॉपर ग्लव्स पहन रखे हैं। तो एक एक चीज़ हम बताएंगे, जैसे कि ये सीज़र वगैरह दिख रहे हैं इधर, ये प्रॉपर कॉटन वगैरह हैं, स्टिचेस लगने के हैं, ठीक है, गोज वोज। और यहाँ से हम शुरू कर देते हैं, कैंची, सीज़र, नाइक होल्डर, ब्लेड। ये एक, इसको उठा लो थोड़ा सा, मैं दिखा देता हूँ, नीचे करो थोड़ा। ये प्रॉपर ब्लेड होती है, इसके आगे ब्लेड लगी हुई है और ये पीछे होल्डर है, ब्लेड को पकड़ रखा। इसी से स्किन के ऊपर कट लगता है, जो शुरुआती कट लगाते हैं डॉक्टर, इसी ब्लेड से लगाते हैं, ठीक है। ये ब्लेड लगाने के बाद में जो ये सेकंड जो आपको एक पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेरियस नीडल, ठीक है। इसका जो पीछे वाला जो हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पर एक नली लगती है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेट के अंदर जाती है। ब्लेड से कट लगने के बाद में ये जो नली है, इसमें लगाई जाती है ऐसे, और ये सिलेंडर रखा हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर CO2 गैस है, ठीक है। ये तैयार हो गई है, ये वेरियस नीडल तैयार है। जब सडेशन सुन दे देते हैं नाभि के पास, और इससे छोटा सा कट लग जाता है, पहला कट इससे लगता है ब्लेड से, और उसके बाद में दूसरा उस कट के अंदर ये नीडल डाली जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, वहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर सुन कर देते हैं, उस हिस्से में दर्द बिल्कुल नहीं होता। इस नीडल से गैस देके ना पेट को फुलाया जाता है। अब जब ये नीडल चली जाती है, मतलब पतला बारीक होल हो जाता है, उसके बाद काम आती है ये मोटी सुई, इसको बोलते हैं ट्रोकार। और इसमें एक ट्रोकार नीडल अलग है, बाहर निकालो, ये ट्रोकार नीडल है, है ना। ये निडिल बोल दो, कैनूला बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक मोटा, एक मैं बोलता हूँ ना, एक उंगली, चिटली उंगली के फिंगर जितना मोटा होता है, जिससे कि होल किया जाता है, बारीक होल इससे होता है, उस होल को मोटा इससे किया जाता है। ये इस ट्रोकार के, इसके अंदर होता है, ट्रोकार के अंदर जैसे कैनूला होता है ना, हाथ में कैनूला लगता है, वैसे ये भी एक कैनूला है। तो इसमें एक मिनट, ऐसे करो प्रॉपर, अब इसको ऐसे करके दिखाओ, ऐसे ये डाला जाएगा, और डाला जाएगा तो बाद में ये अंदर रह जाएगा ऐसे, और ये बाहर निकाल लेंगे ये। नीडल बाहर निकल जाएगी, ये जो बाकी पार्ट दिख रहा है, ये पेट के अंदर आधा अंदर रहेगा आधा बाहर रहेगा। इसके अंदर लेप्रो डाला जाएगा, इसको हटाओ, लेप्रो डालो इसके अंदर से, फिर लेप्रो अंदर जाएगा, लेप्रोस्कोप दूरबीन, ये बाद में दिखा देंगे चसा के। तो ये दूरबीन, फिर ये, क्योंकि ये पेट में अंदर रहेगा, नीडल अंदर रहेगी, और ये लेप्रोस्कोप इसमें अंदर चला गया, ये प्रॉपर लेप्रोस्कोप इसके अंदर चला गया। अब चूंकि दोस्तों लेप्रोस्कोप के अगले हिस्से में टॉर्च होती है, ये देखिए, ये टॉर्च है, और ये पेट के अंदर क्योंकि ब्लैंक होता है, अंधेरा होता है, तो पूरे पेट को रोशन कर देती है अंदर से। अब ये पूरा एक लेप्रोस्कोप का हो गया, ठीक है। अभी मैं वो आगे वो भी दिखाऊंगा कि इसमें सूट कैसे की जाती है, रिंग कैसे चढ़ाई जाती है। तो ये पीछे ये ट्रिगर होते हैं, और यहाँ अंगूठा डलता है, यहाँ उंगलियाँ डालते हैं, इसी ट्रिगर से ट्रिगर करके, जैसे बंदूक में ट्रिगर करके गोलियाँ चलती है ना, इसको ट्रिगर करोगे तो नीचे सूट होगा, और सूट होगा तो ये जो चिमटी निकली, दो इन चिमटियों को, फेलोपियन ट्यूब को पकड़ने वाली ये चिमटी होती है, इन्हीं के ऊपर रिंग चढ़ी जाती है, ये सूट होती है, और ये रिंग को छोड़ देती हैं। तो अभी मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, ये टॉर्च लगी हुई है, ये जो नीचे रोशनी देख रहे हैं ना, वो इस टॉर्च से आ रही है, ये वाली टॉर्च है, और ये दूरबीन है। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ से, तो आगे आप हाथ करो एक बार इसके आगे, और ये दूरबीन दिखाओ, अगर लेंस में आएगा तो मैं दिखाऊंगा, थोड़ा ऊपर करो, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ये देखो,
वो आगे आपको हाथ दिख रहा है, वो दिख रहा है, इस वो उंगलियां दिख रही हैं दोस्तों, देखो ये ऐसे ही पेट का अंदर का पूरा व्यू दिखता है, जैसे वो उंगलियां दिख रही है ना, ऐसे ही पूरा पेट का व्यू इस लेंस में से दिखता है। अभी हम दिखा देते हैं कि ये सूट कैसे होता है, एक बार वो भी आप दिखा दो नहीं, इसको तो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दिखा देते हैं। तो दोस्तों जो इसके ऊपर जो रिंग चढ़ती है ना, वो देखो ये है, मैं दिखा देता हूँ, ये रिंग पड़ी हुई है इसके अंदर, और ये रिंग लोडर है। तो एक बार ये लोडर पे जो रिंग है ना, ये हटा दो, ये यहाँ डाल दो, ये लोडर से हटा दी। अब ये देखो ये रिंग लोडर है, ये रहा, टॉर्च बंद कर ले, ऊपर दिख नहीं रहा, इसको साइड में, ये रिंग लोडर है। इसके ऊपर आप दो रिंग लगाओ, पहले लोडर पे दो रिंग, जो कटोरी के अंदर जो रिंग है इसके ऊपर हम दो रिंग उठा लेते हैं, ये लिया, एक रिंग और ले लो, ये लिया, और अब इस लोडर को लेप्रोस्कोप के अगले भाग में लगाया जाएगा, रिंग लोडर को ये लगा दिया, और पीछे से इस पे स्टैंड से इसको पुश किया जाएगा, तो ये जो रिंग है ये लेप्रो पे आ गई, ये पूरा का पूरा जो लेप्रोस्कोप का अगला पार्ट है इसके ऊपर ये दोनों रिंग आ गई है। एक बार इसकी लाइट बंद कर दो, लेप्रोस्कोप की ये दो रिंग आ गई है। अब दोस्तों ये जो दो रिंग जो सूट होती है ना, ये पहले एक सूट होती है फिर दूसरी, ये पीछे देखिए ये यहाँ पर नंबर बने हुए हैं, ये इस पर एक नंबर होता है, अगर एक नंबर पर करेंगे तो एक रिंग सूट होगी, और फिर दूसरे नंबर पर सेट करके ना इसको ट्रिगर करेंगे तो दूसरी रिंग भी सूट हो जाएगी। अब ये देखिए आगे का हिस्सा, एक बार सूट करो, ऐसे ऐसे करो, सूट मत करना, ऐसे चलाओ, खाली चलाओ, है ना, ये ऐसे पिन इसकी नकचुटी बाहर आएंगी, पिन बाहर आएंगी। अब इसको सूट करने का, जैसे मैं आपको मान लो एक गोद ये उठा लो एक बार, और ये मान लो एक तरह से, एक मिनट, ये मान लो एक मिनट आप शूट मत करना, मान लो ये जो धागा आप देख रहे हो ये ट्यूबल रिंग है, ट्यूबल रिंग बोले तो जो नली होती है, फैलोपियन ट्यूब। अब उस फैलोपियन ट्यूब को ये पकड़ता है, ये ऐसे जाके पकड़ लिया, ये ट्यूबल रिंग पकड़ी, अंदर खींची, और ये सूट हो गई तो ये देखो इसके ऊपर चढ़ गई। अब ये दो नंबर पर सूट हुई है तो इसने दोनों छोड़ दिया, एक नंबर ये लूप बन गया, ऐसे ही फैलोपियन ट्यूब को पकड़ के ना और उसको बांध दिया जाता है, जैसे ये बंध गया, ये लूप बन गया, ये दो नंबर पे इसने सूट कर दिया तो ये दोनों रिंग एक साथ छोड़ दी। अगर एक नंबर पे करके ना इसको लेप्रो को सेट एक नंबर पे करके सूट करता तो एक ही रिंग चढ़ती और फिर दूसरे नंबर पे दूसरी रिंग चढ़ती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पूरा का पूरा प्रोसीजर जो लेप्रोस्कोप का वो आपने समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।